आज हम अपनी वीडियो में खिलौनों के बारे में दिखाएंगे। जी हाँ, ऐसे खिलौने जिनका इतिहास 300 साल से भी पुराना है। इन खिलौनों का बनने का सिलसिला एक राजा की वजह से शुरू हुआ और ये खिलौने बनाए जाते हैं चिन्नपटना में। दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में बेंगलुरु और मैसूर के बीच में एक छोटा सा शहर चिन्नपटना। इसे कर्नाटक का टॉय सिटी भी कहा जाता है। चिन्नपटना खिलौनों का संबंध टीपू सुल्तान के जमाने से है। जी हाँ, कहा जाता है कि एक बार सुल्तान को फ्रांस से एक लकड़ी का खिलौना भेंट में दिया गया, जो सुल्तान को बहुत ही पसंद आया। बस तभी से फ्रांस के कारीगरों को बुलवाकर उन्होंने यहाँ के कारीगरों को ये कला सिखवाई, और जो कारीगर इस खिलौने बनाने की कला को सीख गए वो चिन्नपटना में ही रहकर खिलौने बनाने लगे। मेरा नाम है अतीक अहमद, वैसे तो मेरा सही नाम है सैयद अतीक। लोग हैं चन्नपटना से। चन्नपटना मतलब मोदी जी ने मन की बात में कहा था एक बार चन्नपटना टॉयस। चन्नपटना टॉयस ये वर्ल्ड फेमस है, बहुत सालों से हमारे यहाँ पे चला आ रहा है। जैसे कि मेरे दादाजी करते थे, फिर मेरे वालिद करते थे, फिर हम लोग भी यही कर रहे हैं और नेक्स्ट जनरेशन भी इसी में लगी हुई है। हमारे गाँव में 15 से 20 हज़ार आर्टिजन्स हैं और सभी इसी पर निर्भर हैं, सभी का गुजारा इसी पे होता है, टॉयस पे। ये देखिए ये ऐसे, और ये कंचो वाला गेम है। अच्छा, ये वाला भी? जी मैं दिखाता हूँ। इसमें आपको हर वैरायटी का खिलौना मिल जाएगा, बच्चों के लिए और घर डेकोरेशन करने के लिए सब सारे आइटम्स मिल जाएंगे। ये देखिए ये ऐसे होता है, इसको ना ये एक बकेट में डालने से वो ऑटोमेटिकली दूसरा बकेट में ले लेगा ऐसे। इसमें 4 कंचे आएंगे आपको। इसका प्राइस आके 300 रुपये से 400 रुपये के दरमियान में रहेगा। अच्छा, 300 से 400। हाँ जी। अच्छा, जितने भी आपके पास टॉयज हैं वो सारे वुडन है ना? सब वुडन का है, हम लोग वुडन हैंडीक्राफ्ट में हैं। अच्छा, पिछले बता रहा हूँ ना, 3 पीढ़ियों से हम लोग इसी पे हैं, और अपने गाँव में 15 से 20 हज़ार आर्टिजन सिर्फ इसी पे निर्भर हैं, सभी यही काम करते हैं, इसी पे गुजारा चलता है। ये अपना गांव जहाँ रामगढ़ बोल के एक गांव है, रामनगरा है एक्चुअली उसका नाम, शोले फिल्म का जहाँ पे शूटिंग चला था, रामगढ़ एक्चुअली उसका नाम रामनगर है। अच्छा, रामनगर तो फिल्म में उसको रामगढ़ दिखाया गया है। रामनगर से हम, अपना डिस्ट्रिक्ट है रामनगर, और रामनगर से 8 से 10 किलोमीटर में चन्नपटना बोल के एक गाँव है, टाउन है, वहाँ से हम लोग हैं। वहाँ पे 15 से 20 हज़ार हैं आर्टिजन, सभी इसी काम में निर्भर हैं, सभी यही काम करते हैं, और सभी खिलौने घर सजाने के लिए डेकोरेशन आइटम्स सब वर्किंग का है, वर्किंग टॉयस हैं, टॉयस हैं और घर सजाने के लिए सब डेकोरेशन के लिए सब आइटम्स हैं। और अच्छा, ये जब चलेगी तो उसमें वो डमरू, डमरू बोले, हाँ जी वो डमरू उसको बजाएगा। जैसे ये देखिए मल्टीपल है, मल्टीपर्पज़ के लिए डॉल होगी बच्चों के लिए, और इसमें शार्पनर है 2-in-1 एक में, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। इसका 60 to 80 होता है। हाँ जी, मतलब आप टॉय की तरह यूज करिए। हाँ, या फिर शॉपनर भी करवा सकते हैं, मतलब मल्टीपर्पज। देखिए ये गेम है, बच्चों का माइंड ना इसको तेज करने के लिए ये गेम है। और जैसे ये है, इसको बोलते हैं रिंग सेट, ये सारे के सारे 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 निकलते हैं। ये बच्चे ना इसको डालते हैं बड़ा वाला, कलर्स में उसको गिनते हैं, बड़ा वाला उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, फिर इसको लगाते हैं। हाँ जी, एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ जी जी, छोटे बच्चों के लिए अच्छा गेम। जी जी, इसका प्राइस कितना होगा? उसका आएगा आपको 200 से 300 के दरमियान में, 200 से 300, क्योंकि उसमें साइजेस आते हैं, मैं इसलिए ऐसे बता रहा हूँ। अच्छा, साइज के ऊपर डिपेंड होता है। हुआ है एक ही पीस में बना हुआ है, इसमें आपको 4-5 डिजाइन आ जाएंगे। आप इसमें फ्लावर्स रख सकते हैं घर सजाने के लिए, जबरदस्त रहेगा। और ये देखिए लट्टू है, पहले वो कील वाला आता था, उससे कोई चोट ना पहुंचे इसलिए हमने इसको थोड़ा सा डेवलप करके ऐसा कर दिया कि नीचे बहुत देर तक घूमता है। इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ना यहाँ पकड़ना है, खींचना है, फिर खींच के छोड़ देना है, दैट्स इट। और ये देखिए ये बूगी ट्रेन है, बच्चे ना इसको खींच के लेके जाते हैं, चुक पुक बोल के जो रेलगाड़ी होती है ना ऐसे। जी, और ये रेसिंग कार। अच्छा, ये भी सब वुडन? हाँ, सब वुडन का है, एवरीथिंग इज वुडन। बहुत ही ज्यादा फिनिशिंग
फिनिशिंग के साथ। हाँ जी हाँ जी। और ये देखिए ये चुड़िया, सिर्फ इसको ऐसे करना है, चुड़िया दाने चुगेगी। जी जी अभी आएगा। ये देखिए इसके अंदर ना जैसे रशियन डॉल आती है ना, उसी को हमने थोड़ा सा मोटू पतलू के सेट में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे बच्चे कार्टून में ज़्यादा बिजी रहते हैं मोटू पतलू में, इसी तरह से इसमें 5 पीस आएंगे। हमने इसको रशियन डॉल है ना, रशियन डॉल को ही थोड़ा सा चेंज करके मोटू पतलू का सेट बना दिया है वुडन का। इसमें आपको 5 पीस आ जाएंगे, छोटा वाला उससे छोटा, बच्चे खेल सकते हैं खोल खोल के। वो बच्चे बोलते हैं ना इसमें डिब्बी छुपाओ, डिब्बी के अंदर डिब्बा, डिब्बी के अंदर डिब्बा, ऐसे। और ये देखिए पेन होल्डर है, पेन पेंसिल आप जो चाहे रख सकते हैं या फिर टिश्यू रख सकते हैं। ये वुडन का है, इसमें कलर चढ़ाया है, वेजिटेबल कलर बोलते हैं इसको, साइड इफेक्ट कुछ नहीं होता है इसमें, वेजिटेबल कलर है बच्चों के लिए। बच्चों को ज़्यादा गाड़ियों का शौक़ होता है। हाँ हाँ जी 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 जी। और एक ये है, हाँ जी वो झुनझुने छोटे बच्चों के लिए, जिसे इसको बोलते हैं किटकिटी। बच्चों को अपनी तरफ आकर्षण करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इसमें बहुत सारे वैरायटीज आते हैं, जैसे ये हो गया, नोकियो वाला। अच्छा। और ये देखिए ट्रेन, इंजन ट्रेन का, उड़न का है। बच्चे बहुत पसंद करते हैं, रेलगाड़ी हो, कार हो, कोई भी चलाने वाले गाड़ियों को बच्चे ज़्यादा लाइक करते हैं। और ये देखिए रैबिट है, रैबिट। हाँ रैबिट कार्ट, बच्चे इसको खींच के ले जाते हैं, ये घूमता है। अच्छा आपकी कोई वेबसाइट भी है? नहीं वेबसाइट तो अभी नहीं बनी है, इंशाल्लाह आगे बनाएंगे। लेकिन अगर किसी को लेना हो तो वो आपके व्हाट्सएप पे कांटेक्ट? हाँ कर सकते हैं, हम लोग उसको डायरेक्ट कुरियर कर देंगे एड्रेस पे। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके? हाँ जी दे दिया जाएगा। हाँ जी इसको ना जितना चाहे उतना ट्विस्ट कर सकते हैं, ये हवा को घूमता रहेगा। उसका कीमत आएगा आपको 100 से 200 रुपए के दरमियान में, साइजेस के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ जी। और ये देखिए बच्चों के लिए पापेट। हाँ पापेट। और ये की रिंग्स हैं, इसमें बहुत सारे वैरायटीज के आते हैं, अभी ख़त्म हो गए हैं यहाँ पे स्टॉल में, लास्ट डे है आज, तो इसमें बहुत सारे की रिंग्स आते हैं, बहुत सारे वैरायटीज होते हैं की रिंग्स में। और वो रहा की होल्डर, यहाँ पे है, इसमें ना आप लेटर वेटर भी रख सकते हैं और कीज़ भी रख सकते हैं। इसमें एक और बड़ा वाला भी आएगा, इसमें भी बहुत सारे वैरायटीज आ जाएंगे आपको, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए बड़ा वाला, इसमें आप लेटर वेटर भी रख सकते हैं, जो चाहे रख सकते हैं। यहाँ पे कीज़ है और ये अच्छा लगेगा सजाने के लिए, ये पार्ट हैं वुडन के डिज़ाइन किए हुए। देखिए पीछे ऐसा आता है, आप कहीं पर भी वॉल पर आराम से फिक्स कर सकते हैं ऐसे। इसमें भी आपको दूसरे कलर भी अवेलेबल आ जाएंगे, मिल जाएंगे, फिलहाल तो अवेलेबल नहीं है लेकिन दूसरे कलर आ जाएंगे। और ये है बच्चों का, बच्चों के लिए पजल एजुकेशन आइटम है, ये एलिफेंट है। इसमें आपको यहाँ पे वर्ड्स आएंगे, यहाँ पे 1 2 3 जैसे आएगा, इसमें आप ना सारे के सारे पीसेस निकलते हैं, आप वो पीस को वहीं पर बिठाएंगे ना तब ये आपको एलिफेंट का शेप मिलेगा। इसमें भी दूसरे शेप्स भी आ जाएंगे, एनिमल्स के आ जाएंगे, फिर दूसरे आ जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन खिलौनों को बनाने में थोड़ी सी भी लकड़ी बर्बाद नहीं की जाती है, बची हुई लकड़ी या तो दूसरे खिलौने बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, नहीं तो फिर हवन सामग्री में इस्तेमाल की जाती है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप और अमेरिका में भी इन खिलौनों को एक्सपोर्ट किया जाता है। और अगर आप भी ये खिलौना खरीदना चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ये खिलौने मंगवा सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो यूं ही देखते रहिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर, गुड बाय।